हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधनार्जुन एंड टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, दैट इज सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, व्हिच डिफाइंस व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 6 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6। अब देखिए सेक्शन 6 में क्या दिया गया है, इन्होंने बताया है अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट इफ एनी प्रॉपर्टी हैज बीन मेंशन्ड एज नॉन ट्रांसफरेबल अंडर एनी अदर लॉ और अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स अंडर टीपीए। सीधी इन्होंने एक बात की है कि हर तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। जनरल रूल ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर्ड, हर तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन दो तरीके की प्रॉपर्टी इन्होंने मना किया है जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। या तो किसी दूसरे लॉ ने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से मना कर दिया गया हो, उसको नॉन ट्रांसफरेबल बना दिया हो, या खुद टीपीए ने। और टीपीए का सेक्शन 6 जो है वो बताता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। यानी जनरल रूल तो ये है दैट any kind of property may be transferred, but every general rule generally has exception, and exception is there are some kind of properties which can't be transferred. हमें केवल ये देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। अब देखिए सेक्शन 6 की अगर हम बात कर लें तो हमने लिखी दिया है नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 6 ऑफ टीपीए। दो तरीके की प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है, या तो किसी दूसरे लॉ ने उसको मना किया हो या टीपीए ने उसको मना किया हो। और टीपीए कहां मना कर रहा है, सेक्शन 6 में। अब सेक्शन 6 में ये इतनी प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं। ज्यादातर आपको पता है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, ठीक है, कि क्यों है ऐसा। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम आपको बताएं, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो हमने देखा था व्हेन एवर अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू एनी अदर लिविंग पर्सन देन इट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कि कोई लिविंग पर्सन जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी को कन्वे करता है किसी दूसरे लिविंग पर्सन को, तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है। हमने ये भी देखा था ट्रांसफरर मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन, जो ट्रांसफरर है, द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसफरर एंड एज पर सेक्शन 5 ऑफ टीपीए ट्रांसफरर मस्ट बी द कॉम्पिटेंट पर्सन। हमने देख लिया। अब मान लीजिए हम कॉम्पिटेंट हैं, हो सकता है आपको डाउट हो, मगर डाउट की कोई जरूरत नहीं है। हम कॉम्पिटेंट हैं मतलब हम मेजर हैं, साउंड माइंड है, और किसी लॉ ने हमें मना नहीं किया है कि हम ट्रांसफरर नहीं हो सकते या हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब हम कॉम्पिटेंट पर्सन है। अब कॉम्पिटेंट पर्सन हमें इसका मतलब यह है कि ताजमहल को बेच दें हम खड़े होके, नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि उस पर्सन का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी उसी की हो, दैट पर्सन हैज राइट और दैट पर्सन हैज टाइटल और ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी, only then that person has right to transfer that property। कि competency तो ठीक है, competent होने के साथ साथ आपका उस property पे title भी होना चाहिए। Section 7 आगे हम deal करेंगे, which provide that a person can transfer the property if that person has title of that property or that person has been authorized to make the transfer of that property। मतलब एक property एक person के द्वारा तभी transfer की जा सकती है, या तो उसके पास title हो या उसको ऑथोराइज किया गया हो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, लीगली ऑथोराइज किया गया, ये जनरल बात हो गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं। एक एक करके देखिए, सबसे पहला है स्पेस सक्सेशन। स्पेस सक्सेशन का मतलब क्या होता है, अ मियर एक्सपेक्टेंसी टू गेट अ प्रॉपर्टी इन फ्यूचर कांट बी ट्रांसफर्ड। कोई देखिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वो प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब स्पेस सक्सेशन में क्या होता है कि मान लीजिए हम कुछ इलस्ट्रेशन से इधर आपको समझाते चलते हैं। फादर है, फादर का सन है, अब फादर जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है कि बस अब गए या तब गए। तो आपने एड भी देखा होगा कि वो पहले एड आता था
कि फादर बिल्कुल मरने ही वाला है, वो पहुंच जाता था उस पर, कहता था लो जीरो बढ़वा लो अपने प्रॉपर्टी जो भी इसको मिल रही है उसमें जीरो बढ़वाता था, बाद में पानी नहीं गिर के वो सब खराब हो जाता था। कहने मतलब है इसी ऐसे कोई आपको जिसे पता लग जाए हाँ क्या सिचुएशन है, कोई फादर है, अब इस फादर की डेथ होने वाली है, फादर की डेथ होते ही ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, सन को मिलेगी। अब सन अगर जो है ये चाहे कि चलो फादर तो मरने वाले हैं, क्यों ज्यादा वेट करो कल तक का, और ये प्रॉपर्टी आज ही किसी को हम ट्रांसफर कर दें, यही है पूरा कॉन्सेप्ट इस पर सक्सेशन का। नाउ सन हैज नो राइट टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी, क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फादर की प्रॉपर्टी सन को मिल ही जाए, ये अभी केवल मेयर एक्सपेक्टेंसी है। हो सकता है कि फादर की डेथ से पहले सन की डेथ हो जाए, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा भाई, ये कभी कभी ऐसा होता है लगता है कि ये मरने वाले हैं लेकिन ये तो नहीं मरे, ये मर गए। जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कल तक उनमें इतना भी दम न था कि वो बिस्तर से उठ पाते, कल तक उनमें इतना भी दम न था कि वो बिस्तर से उठ पाते, आज इतना दम पता नहीं कहां से आया, दुनिया से उठ गए। तो दुनिया से उठने के लिए दम की जरूरत नहीं होती है, ये तो कभी भी कैसे भी हो सकता है। तो इस पर सक्सेशन ये कहता है कि मियर एक्सपेक्टेंसी कांट बी ट्रांसफर्ड, कि अगर कोई एक्सपेक्टेंसी है, एक उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो उम्मीद पर दुनिया नहीं चलती है, जब तक तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाएगी तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। कई इलस्ट्रेशन हो सकते हैं, सन की डेथ पहले हो सकती है, फादर हो सकता है बिल बना के वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हो गया स्पेस सक्सेशन। सेकेंड है राइट ऑफ री एंट्री, राइट ऑफ री एंट्री कांट बी ट्रांसफर्ड, अगर किसी को री एंट्री का राइट मिलता है। री एंट्री का राइट आप किसी ऐसे इलस्ट्रेशन समझ ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को विद अ कंडीशन, आगे देखेंगे 7, 8, 9 में कंडीशन कौन सी लगा सकते हैं कौन सी नहीं लगा सकते, वो अलग की बात है। अब इसने एक क्या कंडीशन लगा दी, इसने कहा कि ठीक है ये प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी मान लीजिए कंपनी उसने जो है वो खोलने के लिए दे, ठीक है आप जो है वो कंपनी खोलो, हम ये प्रॉपर्टी आपको अपनी दे रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ये कंपनी कभी आपने बंद की, ये फैक्ट्री अगर आपने बंद कर दी, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वापस हमें मिल जाएगी। मतलब ए ने ये प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी है, लेकिन उसमें एक ऐसी कंडीशन लगी है जिसमें ए का एक राइट बन गया है री एंट्री का, कि उस कंडीशन के होने से ए की एक री एंट्री हो सकती है इस प्रॉपर्टी में जो किसने बी को ट्रांसफर कर दी है। नाउ ए हैज अ राइट ऑफ री एंट्री इन दैट प्रॉपर्टी, नाउ ए मे नॉट ट्रांसफर द राइट ऑफ री एंट्री, मतलब जो री एंट्री का राइट है ये किसका है, ए का है, ए का तो बना रहेगा लेकिन ये किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ए ये नहीं कर सकता है कि ये सी से कहे कि भाई देखो कल को अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी वापस हमें मिल जाएगी, तो हम तुमको अपना ये राइट ट्रांसफर कर रहे हैं कि ये हमें ना मिलकर तुम्हें मिल जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया री एंट्री का, कि राइट ऑफ री एंट्री ये नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। थर्ड कहते हैं राइट ऑफ ईजमेंट, बोले ईजमेंट भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अब वैसे तो ईजमेंट एक्ट पूरा है, आपका सिलेबस में भी लास्ट पे ईजमेंट पढ़ना होता है, यहां केवल इतना आप समझिए ईजमेंट का मतलब होता है सुखाधिकार, सुखाधिकार का मतलब होता है सुख का अधिकार। अब हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन ईजमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देता है। अपनी प्रॉपर्टी में तो हर आदमी अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है, ये एक राइट देता है एक पर्सन को किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में, कि एक पर्सन को किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में एक राइट हो जाता है जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को बेटर वे में एंजॉय कर सके, ये कहलाता है ईजमेंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए का कोई खेत है यहाँ पे, ठीक है, तो ए को अब ए के खेत के चारों तरफ हो सकता है खेत हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से कोई रास्ता, मान लीजिए ये एक्स का खेत था, तो एक्स के खेत से एक रास्ता जो है वो मिल जाएगा ए को अपने खेत तक पहुंचने के लिए। तो ए का ये जो राइट होगा ये क्या कहलाएगा, ईजमेंट्री राइट कहलाएगा। तो ये सेक्शन 6 कहता है कि राइट ऑफ ईजमेंट कांट बी ट्रांसफर्ड। अब ए का राइट तो है, तो ए इस राइट को बी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सी मतलब किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते कि ठीक है हमारा ईजमेंट्री राइट है तुम भी जो है वो इधर से निकलो, नहीं किया जा सकता। हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर ए
अपनी इस प्रॉपर्टी को ही बी को ट्रांसफर कर दे तो इजमेंटी राइट नहीं ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी तो अपने आप अब ये इजमेंटी राइट किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी उसका ये इजमेंटी राइट, तो जो राइट ऑफ इजमेंट है ये भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एक चीज तो ये हो गई। इसके बाद ये कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट कांट बी ट्रांसफर्ड। कुछ इंटरेस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे हमने कहा कि इफ अ पर्सन वांट टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी देन दैट पर्सन शुड हैव एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो सीधी सी बात है कि उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। अब अगर आपके ही ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो उन रिस्ट्रिक्शन को आप कैसे फिर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे। मतलब देखिए इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, भाई जो आपके पास है वही तो दूसरे को दे सकते हो, जो आपके पास है ही नहीं वो किसी को दोगे कैसे, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्ट है, रोक दिया गया किसी वजह से, उसको कोई चीज आपको मना की गई तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके कुछ इलस्ट्रेशन हो सकते हैं, जैसे एक इसमें आता है बहुत पूछा जाता है प्रियम्सन का क्या रोल है, व्हाट इज प्रियम्सन। प्रियम्सन क्या होता है, जैसे मुस्लिम लॉ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें शिया और सुन्नी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो प्रियम्सन का कॉन्सेप्ट केवल अवेलेबल है शिया में। शिया में ये क्या कहते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, शिया के लोग हैं ये और चार लोग हैं ए बी सी डी। अब ये चारों लोग जो हैं इनके अपने अपने हिस्से हुए, भाई एक ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये, लेकिन ये है एक ही परिवार का एक ही। या ये हो सकता है कि ये पहले प्रॉपर्टी जो थी वो हिस्से थे ही नहीं, ये प्रॉपर्टी है को ऑनर है ये चारों, अब इस प्रॉपर्टी में इनके ये हिस्से हैं, ये ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है, ये डी का हिस्सा, पूरी प्रॉपर्टी है, यानी ये सब क्या है को ओनर है इस प्रॉपर्टी में। तो सिया लॉ का जो कॉन्सेप्ट है प्रीएम्पशन का, वो ये कहता है इफ अ को ओनर वांट्स टू ट्रांसफर हिज और हर शेयर इन दैट प्रॉपर्टी देन ऑल अदर को ओनर्स विल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू बी परचेजर। सिंपल सी बात है, मतलब इनका ये कॉन्सेप्ट है कि भाई परिवार की अगर जगह है तो परिवार में ही रहे, आप बाहर नहीं बेचोगे। मतलब ए अगर इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो पहले वो किसको बेचेगा, बी को, सी को, डी को, मतलब बी सी डी का प्रेफरेंशियल राइट होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए कभी भी ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच ही नहीं सकता है। मान लो बी सी डी जो है वो आपस में प्लान कर ले, बोले ठीक है तुम भी नहीं खरीदना, हम भी नहीं खरीदेंगे, हम भी नहीं खरीदेंगे, देखे कैसे बेचेगा। तुम्हारा प्रेफरेंशियल राइट है, मतलब अगर तुम कहोगे कि हम खरीदना चाहते हैं ठीक, तो पहले आपको बेची जाएगी। हाँ ये नहीं हो सकता है बी का है हम खरीदना चाहते हैं ये फिर भी एक्स को बेच दे, नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका प्रेफरेंशियल राइट है। हाँ ए इस प्रॉपर्टी को एक्स को भी बेच सकता है विद द परमिशन ऑफ अदर को ओनर्स, यानी बी सी और डी अगर इसको परमिट कर देते हैं तो ये किसी दूसरे को भी बेच सकता है ठीक। तो ये एक प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट होता है। आगे हो गया जैसे ऑफिस ऑफ सिबैत ऑफ अ टेम्पल, टेम्पल में जो सिबैत होते हैं इसका एक ऑफिस होता है, मतलब सिबैत का पद जो है ये भी ट्रांसफरेबल नहीं होता है। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, फ्यूचर मेंटेनेंस भी जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मेंटेनेंस आपको पता है कि मेंटेनेंस, जैसे मान लीजिए वाइफ को ही मिलना है डिवोर्स के बाद, कोई वाइफ है इसको मेंटेनेंस कोर्ट ने कह दिया ठीक है आपको 10,000 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस मिलेगा। अब मान लीजिए वाइफ क्या कहती है, वो चाहे कहे भाई देखो हमारी तो ठीक ठाक पोजीशन है, हम तो अपना काम चला लेंगे, उसकी एक फ्रेंड है उसका काम नहीं चल रहा, बोले ठीक है ये जो हमको मेंटेनेंस मिल रहा है ये हम तुमको ट्रांसफर किए दे रहे हैं कोई एक्स को, ये नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी पर्सन अपने फ्यूचर मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसकी वजह होती है देखिए फ्यूचर मेंटेनेंस पता ही नहीं होता है कि ये भी एक एक्सपेक्टेंसी होती है कि आपको मिलता रहेगा, जरूरी नहीं नहीं मिलता, आपको मिलता ही रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कंडीशन इतनी अच्छी हो जाए कि किसी वजह से वो मेंटेनेंस आपका मिलना बंद हो जाए, या और कोई ऐसी कंडीशन आ जाए लॉ में, आपको पता ही है कई तरीके की ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें इसका मेंटेनेंस ये बंद हो सकता है। तो यहाँ पे बस एक टेक्निकल चीज है याद रखिएगा जो गलत होता है क्वेश्चन में सर, कि यहाँ पे टर्म यूज किया गया फ्यूचर मेंटेनेंस नॉट पास्ट मेंटेनेंस। इट मीन्स अ पास्ट मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर्ड। अ पास्ट मेंटेनेंस क्या हुआ, मान लीजिए इसका 10,000 पर मंथ का जो है वो मेंटेनेंस आता है ठीक है,
और इस समय मान लीजिए जुलाई है, तो अगला महीना होगा अगस्त, पिछला होगा जून। तो जुलाई में अगर हम हैं तो इसका फ्यूचर मेंटेनेंस क्या होगा? अगस्त वाला, जो इसको मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए जुलाई का और जून का जो इसको मिल गया है या जो इसने पा लिया है, अब जो मिल गया है तो हमारा हो गया, जो हमारा हो गया उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, सीधी सी बात। इट मीन्स अ फ्यूचर मेंटेनेंस कांट बी ट्रांसफर्ड बट पास्ट मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर्ड। ये भी बात हो गई। चलिए ना, मजेदार और टेक्निकल सब्जेक्ट ये है कि अगर इसको आप थोड़ा सा मजा लेके पढ़िए तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। मजा तभी आता है जब वो चीज आपको थोड़ा सा आता हो, समझ में तभी आ गया ना, जब थोड़ा बहुत आगे पीछे का पता हो। अब जैसे सेक्शन फाइव किसी ने पढ़ा नहीं है, सिक्स से आके स्टार्ट कर दे। एक लेक्चर में हमने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, आपको ये पता ही नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो फिर आगे ये चीजें दिक्कत करेगी करेगी। वो पूरा सब एक साथ इसको देखा जाता है। तो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस तक हम आ गए। अब है मियर राइट टू सू, मियर राइट टू सू भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, अरे भाई हमारे किसी राइट का वायोलेशन हुआ है तो केस कौन फाइल करेगा? हम ही करेंगे। अब ये थोड़ी ना कि हमारे किसी राइट का वायोलेशन हो रहा है, हम बी से कहे भाई तुम केस कर लो, हम सी से कहते तुम केस कर लो, नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सिविल केसेस को आता है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे उसमें कुछ अलग चीजें हैं, एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर किसी के पास मियर राइट है किसी को केस फाइल करने का, तो वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसमें कोई खास चीज नहीं है, आगे भी जितनी चीजें हैं उसमें कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल जो था निकल गया। ठीक, मियर राइट टू सू हो गया। पब्लिक ऑफिस सैलरी, अब हमें पता है पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सैलरी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टिपेंड्स, पेंशन, जो स्टिपेंड्स मिलते हैं या पेंशन मिलते हैं, ये सब भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सेक्शन सिक्स में ये चीजें दी गई हैं। हाँ, आगे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग दी है इसमें, ये आप देखिएगा, वर्ड से हो सकता है ना समझ रहा है। इन्होंने कहा है अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट। अगर कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि आप उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये कुछ चीजें जो है, ये जो हमने इमोबल प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें ये चीजें हमने डिस्कस की थी, ये कुछ चीजें कहलाती हैं। यहाँ पे ये बहुत बार पूछा जाता है रस कम्यून्स, इसका क्या मतलब होता है? रस कम्यून्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें जिसपे पूरे संसार का जो है वो अधिकार है। प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द होल वर्ल्ड, जैसे हवा, लाइट। अब ये थोड़ी ना कि हवा बेच दोगे, लाइट बेच दोगे, तो ये नहीं बिक पाएगा ना, क्योंकि इसमें माना जाता है ये तो सभी का इसमें कब्जा है। तो ये रस कम्यून्स होती है, कुछ चीजें का नेचर ही ऐसा होता है कि उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपोज टू नेचर ऑफ द इंटरेस्ट हो गया। इसका दिन उठा है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, मतलब ऐसी चीज भी ट्रांसफर नहीं कर सकते जो ट्रांसफर करते समय उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हो। अब ये आपको पता ही है कि सेक्शन फोर में हम पढ़ के आए हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी पोर्शन आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको डील करेगा। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी एक तरीके का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। जब आप किसी को कुछ बेचोगे तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ही होगा ना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के जितने इसेंशियल है, यहां तो इन्होंने दो अलग से दे दिए हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी इसेंशियल्स है वो सभी फुलफिल होंगे किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में। तो इन्होंने दे दिया यहाँ पे कि अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, ये सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिखाया गया है। आपको पता है कि अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ, अगर उसको हम अलाउ कर दे तो किसी दूसरे लॉ के प्रोविजन को वो डिफीट कर देगा, फ्रॉडुलेंट है, या फिर किसी इंजरी करता है पर्सन या प्रॉपर्टी को, या वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इमोरल है। ये सब सेक्शन 23 में आप देख के आए, तो इसमें कुछ खास चीज नहीं। हाँ, अगर उनका लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी, एक टेक्निकल चीज यहाँ पे देखिए, अगर दिमाग में आपके क्वेश्चन आए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो वहां पे ट्रांसफरर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, बट देयर इज नो नीड फॉर अ ट्रांसफरी टू बी कॉम्पिटेंट। ट्रांसफरी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है, मतलब माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, इनसेन को की जा सकती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कहते हैं लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफर ट्रांसफरी। अब देखिए, लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफरी, उसको तो अलाउ किया है ना, डिस्क्वालिफाइड किया ही नहीं है। माइनर को या इनसेन पर्सन है उसको हमने डिस्क्वालिफाइड नहीं किया है, तो उसको कर सकते, अलग बात है। यहां पर कहा गया कि कुछ ऐसे पर्सन है जिनको लीगली डिस्क्वालिफाइड किया जाता है टू बी ट्रांसफरी। जैसे हम मान लें कि एक्सनेबल क्लेम देखेंगे,
ये डेफिनेशन क्लॉज में आप देख के आए होंगे, डेफिनेशन क्लॉज हमने बहुत डील नहीं किया है क्योंकि मूल प्रॉपर्टी टेक्निकल हमने बता दिया, बाकी सीधी सीधी सी बातें हैं तो हमने वो डिस्कस नहीं की। तो एक्सनेबल क्लेम में क्या होता है कि कोर्ट जब ये एक्सनेबल क्लेम इस तरीके कराता है तो जो जजेस हैं उनको मना किया गया है कि आप परचेज नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को, तो वो डिस्क्वालीफाई किया गया। मतलब अगर किसी को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता तो उसको आप नहीं कर सकते। लास्ट ही कहते हैं अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, ये लीज के साथ पूरा टॉपिक पढ़ा जाता है कि आप वैसे तो जो लीज होती है ये ट्रांसफरेबल होती है, सब टेनेंसी का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अगर है और ऐसा कुछ कह दिया गया है तो फिर वो भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब यहां तक कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपका बहुत टेक्निकल हो, बस ये इतना पता है तो लिख जाएगा आपका। हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इसमें सक्सेशन, राइट ऑफ री एंट्री, इजमेंट हो गया, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में प्रीएम्प्शन हो गया, ऑफिस ऑफ शिवायत हो गया, फ्यूचर मेंटेनेंस हो गया, मेयर राइट टू सू भी, कोई इसमें खास चीजें नहीं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है सेक्शन 6 का बस, और इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो केवल इसको बेयर एक्ट आप साथ में रख लीजिए, आप देखेंगे कि बेयर एक्ट अगर साथ में देखेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ना समझ में आ गई। तो बस यही है भाई, पढ़ो। देखिए प्रॉब्लम पता क्या है, हमें ये लगता है कि जैसे ये चीज हम समझा रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, हम ये मान चलते हैं कि हम जो समझा देते हैं वो लोगों को समझ में आता है। अब ये गलत फहमी है हमारी या खुश फहमी है ये तो आप ही समझ सकते हो, लेकिन हाँ हम ये मान चलते हैं कि ये आपको समझ में आ जाएगा अगर इसको आप एक बार अच्छे से सुन के और नोट डाउन कर लेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। तो ये खुश रहेंगे तो फिर अपना ध्यान अपने आप ही रख लिया जाएगा। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।